आम से खास हर किसी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का असर। क्या ठाकरे की कुर्सी पर भी लगेगा 26 दिसंबर का सूर्य ग्रहण? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में होगी उथल पुथल? जानिए ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से। नमस्कार, एक बार फिर हमारे दर्शकों का धर्म ज्ञान में स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया। जी हाँ, बीजेपी से अपनी 30 साल पुरानी दोस्ती तक तोड़ डाली। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में खबर है कि शिवसेना और बीजेपी फिर एक साथ आ सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं जो साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का विरोध करना देश विरोधी नहीं है। तो तलखी अभी भी बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है जो विरोधियों की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो अपना बेमेल गठबंधन बनाया है वो टिकने वाला नहीं है। ऐसे में 26 दिसंबर को साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसका प्रभाव खास तौर पे उद्धव ठाकरे की राशि पर कितना पड़ेगा? जी हाँ, कन्या लग्न सिंह राशि है उद्धव ठाकरे की, और ग्रहण का उनकी राशि पर और उनकी पार्टी पर किस तरह प्रभाव रहेगा, क्या कहती है उद्धव ठाकरे की कुंडली, आइए जानते हैं एक बार फिर मयंक जी से। जी मयंक जी, उद्धव ठाकरे जी की राशि पर ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ेगा इसको तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कि 26 दिसंबर को जो साल का अंतिम ग्रहण लगने वाला है आखिरकार वो कब से कितने बजे तक शुरू होगा और सूतक कब से लग जाएगा? जी देखिए, 26 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वो प्रातःकालीन सुबह 8 बजे से लग जाएगा और दोपहर के 1:36 पर ये सूर्य ग्रहण रहेगा। अगर उत्तर भारत की बात करें तो ये सुबह 8 बजे से लेकर 11:05 तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा नॉर्थ इंडिया में, और सूतक जो है 25 दिसंबर को रात को 8 बजे से लग जाएगा। तो ये ग्रहण का काल है, ये सूतक रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें 5:36 की ये टोटल अवधि रहेगी ग्रहण की। तो ग्रहण के दौरान बहुत सी सावधानी रखनी चाहिए, और क्योंकि एक तनावपूर्ण स्थिति बनती है जिस समय, नाम ही ग्रहण है। देखिए, सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण का सीधा सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। शारीरिक बल में कहीं कमजोरी आती है, मन में तनाव, बेचैनी, घबराहट रहती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ग्रहण के दौरान आपको कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा बाहर ना निकलें और नंगी आंखों से तो बिल्कुल ना देखें, बेहतर रहेगा। और इस दौरान अगर योग का सहारा लें और कम से कम कुछ खाए पिए, ना खाए पिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है आसानी से। बिल्कुल, जो कि 26 दिसंबर का सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये पूरे भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों की भाषाओं के अनुसार उन्होंने इस ग्रहण को वल्यकार सूर्य ग्रहण कहा है, और ऐसे में जो कि कन्या लगन सिंह राशि उद्धव ठाकरे जी की बनती है और ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो उद्धव ठाकरे की राशि पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा या फिर नकारात्मक, आइए जानते हैं। जी देखिए, बिल्कुल इनकी अगर हम कुंडली पर एक बार निगाह डालें तो कन्या लगन की कुंडली है और सिंह राशि इनकी बनती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कविता कि ग्रहण के साथ साथ इनकी ग्रहण तो गोचर है, इनका गोचर में लग रहा है, किस समय इनको दशा कौन सी चल रही है वो भी संकेत देता है कि इस जो इनकी सरकार है उसका भविष्य क्या है, या इनकी सरकार पर कोई खतरे के बादल तो नहीं मंडरा रहे हैं। देखिए, इस समय इनको अगर हम बात करें तो गुरु में केतु की दशा चल रही है जो कि 23 अक्टूबर 2020 तक रहेगी, यानी कि अभी तकरीबन 10 महीने का ये समय केतु का बचा हुआ है। और हम कहते हैं कि एक कहावत है कि केत छोड़ावे खेत, इनकी जब केतु की दशा लगती है और उस दशा में अगर व्यक्ति की कोई पदवी हासिल होती है तो आशंका रहती है, अगर कुंडली में केतु की स्थिति खराब है तो केतु बदलाव लाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में जो भी ग्रह चाल बन रही है और ये जो ग्रहण है ये इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंतरिक विरोध पार्टी में होंगे, और जैसे इन्होंने
एनसीपी के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर जो सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी इनको करना पड़ सकता है और गुटबाजी का सामना भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है ये इनके ऊपर थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्रहण के दौरान जो ये समय चलेगा, अभी खासकर 24 जनवरी तक का समय रहेगा, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी रहने वाला है। उसके बाद का समय जो है मार्च से लेके अगर हम बात करें जुलाई के बीच में, तो ये एक समय बहुत ही विरोधाभास रह सकते हैं पार्टी के अंदर या इनके गठबंधन के अंदर। तो काफ़ी कुछ मुश्किलात भरा समय, एक चैलेंजिंग टाइम जो है उद्धव ठाकरे जी के लिए रहेगा आने वाला। तो कहीं ना कहीं खतरे के बादल जो हैं वो अभी मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल वो कम हैं, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसा संकेत इनकी कुंडली दे रही है। जी, जो कि बताओ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का काम पहली बार जनता देखेगी, महाराष्ट्र की जनता देखेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रहण का खास तौर पे उद्धव ठाकरे के कार्य क्षेत्र पर कितना असर पड़ेगा, जो आपको लगता है? जी देखिए, इनका अगर हम बात करें, चंद्रमा इनकी कुंडली में 12वें भाव में है और सिंह राशि है, और ये जो कन्या इनका लग्न है तो चतुर्थ भाव में लग्न से और राशि से पंचम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, और इनकी कुंडली में चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र राहु इकट्ठे होते हैं, तो यानी कि ये भी एक ग्रहण योग माना जाता है, ग्रहण दोष माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ग्रहण की स्थिति जो बन रही है, वो इनको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसा इनकी कुंडली ये बताती हुई इस समय नजर आ रही है। और ग्रहण के ये परिणाम इनको नुकसानदायी इनके लिए साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। यानी कि ये समझे कि बताओ मुख्यमंत्री वो कोई ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जिसका उलट उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। हाँ देखिए, इस समय क्या रहेगा कि जो वो फैसले लेंगे, हो सकता है कि वो कुछ वो फैसले उनको सही लगे लेकिन जनता उसको पसंद ना करे, कुछ ये इस तरह की स्थिति बन सकती है, परिस्थिति बन सकती है। क्योंकि देखिए, ग्रह नक्षत्र का खेल है कि जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री के पदवी दिलवाई है, क्योंकि इनकी कुंडली को अगर मैं एक बार एनालिसिस करना चाहूँगा, दर्शकों से बताना चाहूँगा कि इनके दशम भाव में बुध जो है, मतलब कि बहुत ही शानदार राजयोग बना रहे हैं, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन और दशम का यह राजयोग बनता है तो जीवन में एक बार उच्च पद की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, और चतुर्थ भाव में इनके गुरु बैठे हैं, तो ये भी संकेत देता है कि इनको उच्च पद की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन जो अभी ग्रहों की स्थिति चल रही है, जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें उनको बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। एक टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम जो है इनके लिए आने वाला समय रहेगा, खासकर फरवरी के बाद का। कविता, लेकिन अब अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो क्या लगता है आपको, ग्रहण का दुष्प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा? देखिए, अगर हम देखें कि ग्रहण के दुष्प्रभाव के चलते इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप की समस्या से इस समय जूझना पड़ सकता है, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इस समय, क्योंकि कुंडली में जो अभी ग्रहण का योग बनेगा, इनकी पंचम भाव पर इनके हम देख रहे हैं कि 6 के 6 ग्रह उस दिन बैठे होंगे ग्रहण वाले दिन, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और किसी ज़्यादा उलझन में पड़ने से बचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी विरोधाभास बयान, ऐसा स्टेटमेंट ना दें जिससे कि वो उससे बवाल मच जाए या एक गलत संदेश चला जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की परिस्थिति ऐसी बन जाती है। क्योंकि इस समय इनको केतु की अंतर्दशा है और ग्रहण का भी योग रहेगा, तो इनसे कोई ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस समय निकल सकती है जो कि इनको नुकसान पहुंचा सकती है, इनकी छवि को या पार्टी को। मैं जैसे कहते हैं ना कि ग्रहण का असर रिश्तों पर भी पड़ता है, ऐसे में जो कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने जो, मतलब लोगों का जो कहना है कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपना एक बेमेल गठबंधन कर दिया, क्या लगता है आपको ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है इसका असर, इसका नकारात्मक असर इस बेमेल गठबंधन पर पड़ेगा आपको दिख रहा है भविष्य में? देखिए, ग्रहण का असर जो है कविता, हम देखते हैं कि 5-6 महीने तक ये हमारे ऊपर रहता है। तो अब आप जैसे मैंने समय बताया है कि फरवरी के बाद का समय रहेगा, फरवरी के बाद के समय से लेकर जुलाई तक के समय में काफ़ी विरोधाभास गठबंधन में रह सकता है, और उस समय कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है।
या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार गिर भी सकती है, कुछ इस तरह की ग्रहों की स्थिति इनकी चल रही होगी उस समय पर। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए, इनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार। क्या लगता है आपको कुंडली को देखते हुए, ग्रह दशाओं को देखते हुए 26 दिसंबर के ग्रहण के प्रभाव जो पड़ रहा है इनकी राशि पे खास तौर पे, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे या फिर यूं कहें कि शिवसेना और बीजेपी क्या फिर एक साथ साथ आ सकती है? देखिए, अभी तो इस तरीके का कोई अनुमान मेरे को लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ये जो हम कहें कि ये गठबंधन टूटा क्यों है दोनों का, देखिए इतना पुराना गठबंधन टूटा है। दरअसल इस समय क्या है कि इनके ऊपर केतु की दशा चल रही है, और केतु की दशा जब से इनको स्टार्ट हुई है तब से विरोधाभास शुरू हो गया था। तो ये एक केतु एक बड़ी वजह रहा है कि जिसकी वजह से गठबंधन टूटा है, और हमें जो लग रहा है अगर ये गठबंधन भविष्य में दोबारा बनेगा तो ये अगस्त के या सितंबर के बाद ही बनना संभव नजर आ रहा है, जब इनको उस समय शुक्र की अंतरदशा शुरू होगी तब कुछ हालात इस समय बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं, या दोनों पार्टी फिर से एक बार आ सकती है। जो कि साल की शुरुआत यानी कि नव वर्ष की शुरुआत से पहले ही इतना बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जी का नया साल यानी कि 2020 कैसा रहने वाला है। जी हाँ, बतौर मुख्यमंत्री क्या वो महाराष्ट्र में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? सर देखिए, ये जो ग्रहण है, अब हम देखेंगे 26 तारीख को भी ये ग्रहण पड़ रहा है, अगर अंक शास्त्र के अनुसार से देखें तो 26 यानी 2 और 6 का टोटल कर दें तो कविता 8 बन जाता है, वो शनि का माना जाता है, और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य और शनि में परस्पर शत्रुता रहती है और इनकी सिंह राशि है, तो इसलिए ये ग्रहण इनके लिए थोड़ा सा भारी रहेगा और कोई बड़ा उलटफेर आने वाले समय में हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर मेरे को लग रहा है कि फरवरी के बाद से लेकर जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत कुंडली दिखा रही है ये सरकार गिर सकती है उस दौरान। तो जैसे कि मैं जी ने बताया कि ग्रहण का असर खास तौर पे उद्धव ठाकरे जी की राशि पर भारी पड़ेगा और फरवरी के बाद कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। और एक चीज और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज को कहना चाहूंगा, जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी वो वृषभ लगन की उस समय कुंडली थी, और अष्टम भाव में हम देख रहे थे शनि केतु का योग बना हुआ था और बृहस्पति भी वहीं थे, तो जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण करी है वो भी समय सही नहीं था शपथ ग्रहण का, उसके अनुसार भी ये लग रहा है कि पूरा कहीं ना कहीं 10 से 12 महीने इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी भारी रहने वाले हैं, तो मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ सकता है इनके ग्रहों के अनुसार। तो ये आज हमने मैंग जी से जाना कि आखिरकार 26 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसका प्रभाव खास तौर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कैसा पड़ेगा, उनकी राशि पर कैसा रहेगा और उनके भविष्य में इस ग्रहण का कितना प्रभाव रहने वाला है। और इसी के साथ मुझे और मैंग जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।